हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। तो पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर एंड व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर इज़ अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश ग्रामर is a part of English language that deals with the form and structure of words and structure of words with their transitional arrangement in phrases and sentences। अगर हम हिंदी में बोलें तो इंग्लिश ग्रामर वो साधन है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिससे हम वर्ड को सेंटेंस में कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं या कैसे सुनते हैं उसको जानते हैं। ठीक, तो चलिए दूसरी टॉपिक, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर के पांच ब्रांच होते हैं। There are five branches of English grammar। पहली ब्रांच ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लेटर्स एंड स्पेलिंग। ऑर्थोग्राफी is a branch of English grammar that deals with the study of letters and spelling। ऑर्थोग्राफी इंग्लिश ग्रामर की वो ब्रांच है जिसमें हम वर्डों की और स्पेलिंग मतलब उच्चारण के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी ब्रांच है सिंटैक्स। सिंटैक्स इज अ ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर सिंटैक्स
इज अ ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ करेक्ट सेंटेंसेस। सिंटैक्स इंग्लिश ग्रामर की वो ब्रांच है जिसमें हम वाक्यों को, शुद्ध वाक्यों को पढ़ना सीखते हैं। हम आगे ये पढ़ेंगे सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स के कुछ सवाल भी लगाएंगे। अभी इंट्रोडक्शन देखते हैं। तीसरा है अपॉस्ट्रॉफी। आप सभी फैमिलियर होंगे अपॉस्ट्रॉफी से। अपॉस्ट्रॉफी इज अ ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर that deals with the study of relation between two noun। एग्जाम्पल में अगर देखें, रामाज बुक, यहाँ पे राम भी एक नाउन है और बुक भी एक नाउन है। यहाँ पे हम एपॉस्ट्रॉफी एस लगाए हैं। एपॉस्ट्रॉफी मतलब किसी वर्ड के बाद ऊपर एक डैश लगता है, आगे एस जुड़ता है, उसको हम कहते हैं एपॉस्ट्रॉफी एस। एग्जाम्पल जैसे रामाज बुक, यहाँ पे दो नाउन के बीच रिलेशन दिखाया गया है। चौथी ब्रांच है एटीमोलॉजी। एटीमोलॉजी एटीमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ग्रामर दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। इटिमोलॉजी इंग्लिश ग्रामर की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी एक शब्द की कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, उसकी क्या इतिहास है, उसके बारे में पढ़ते हैं। और पांचवी ब्रांच है प्रोसॉडी। प्रोसॉडी इज द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर the branch of English grammar that deals with the study of versification। प्रोसॉडी इंग्लिश ग्रामर की वो ब्रांच है जिसमें हम शेर व शायरी के बारे में पढ़ते हैं। हम ज़्यादातर पहली चार ब्रांचों के बारे में पढ़ते हैं। प्रोसॉडी हमें कहीं मुश्किल से पढ़ने को मिलती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें।